गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। दहेज नहीं मिलने पर लड़के वालों ने शादी करने से किया इनकार। ये बात हमारे समाज में नहीं है, काफी बार आप लोगों को ये सुनने के लिए मिला होगा, पर एक्चुअली में इतनी छोटी सी चीज एक्चुअली में पहले हाँ कर देते हैं और फिर उसको मजाक में लेके चले जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं होता, लोग अभी तक इस चीज को समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए, एक और मामला हमारे सामने दहेज को लेके आया है। एक बार और हम दहेज के मामले को आपके सामने खोलते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मध्यपुर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर अली रहता है और उसकी मतलब कि चार बेटियां हैं, और उसी दौरान ही सबसे बड़ी बेटी की शादी उसने भागलपुर में रहने वाले सेफुल के साथ तय की थी। 18 अगस्त को ये पूरी बात हुई थी और उस दौरान ही दहेज की लेन देन की बात हो गई थी, वो सब मान गए थे। और 14 सितंबर को बारात उनके घर पे आनी थी, पर अचानक ही सेफुल के पिताजी का अली उस लड़की के पिताजी को कॉल आता है कि हम बारात लेके नहीं आने वाले, हम इस शादी से इनकार करते हैं। इसके बारे में सुन के अली काफी ज्यादा नाराज हो गए और उस दौरान ही अपने परिवार और काफी सारे गाँव के लोगों को लेके वो सीधा भागलपुर लड़के के घर पहुंचे। और वहां पर जाके उन्होंने देखा कि सब तो वहां पर बैठी है, और जब वहां पर बारात बैठी है तो हुआ क्या है। तब लड़के से और लड़के वाले के परिवार से बात की गई, तब लड़के ने ये चीज बताया कि उसको 2 लाख दहेज और एक बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, तभी वो बारात लेके आपके घर आएगा और आपकी लड़की को शादी करके वो वापस लेके जाएगा। जिसके कारण एक्चुअली में वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और वहीं पर भागलपुर के नजदीक ही दोनों बीच थाना में ही चौसा थाना में एक्चुअली में जो कि लड़की के पिताजी हैं, अली जिनका नाम है, उन्होंने इसके बारे में शिकायत दर्ज की। और शिकायत दर्ज करने के बाद वहां पर जो इंस्पेक्टर है जयप्रकाश चौधरी जी ने, उन्होंने अभी ये मामला जो है वो दर्ज कर लिया है, पर इसके ऊपर अभी कार्रवाई हो रही है। अभी तक कुछ भी ऐसा सामने निकल के नहीं आया कि आखिरकार इसके आगे हुआ क्या है। तो गाइस, दहेज क्या आज भी हमारा दहेज लेने का जो मेंटालिटी है हमारे समाज में, क्या खत्म नहीं हो सकती है? क्या लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और ऑलमोस्ट एक्चुअली लड़कियां अपना घर चला पा रही हैं, और कुछ लोगों ने तो, कुछ लड़कियों ने तो डिसीजन यहां तक भी लिया कि वो शादी करना ही नहीं चाहती, वो खुद से खुद अपनी लाइफ जी सकती हैं। ऐसी भी लड़कियां हैं आजकल, पता नहीं क्यों ये सब चीजें होती है। आपका क्या विचार है आप भी जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।